बच्चे बड़े सबका पसंदीदा स्वाद मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग लेकर आया है पंजाबी चाप कॉर्नर। बेसी कबाब, पनीर अंगारा, मलाई चाप, शाही पनीर, दाल हांडी, स्पेशल कैंडी के साथ और भी बहुत कुछ। खाना यहाँ पे बढ़िया है और स्वादिष्ट है। 500 के ऑर्डर पर 90 चेयर गेम बिल्कुल फ्री। इस मौसम अपने परिवार के साथ जरूर आए। पता नेकपुर फरुखाबाद। जी ठीक। इसको जो है ना तहसीलदार को भेज दीजिए, जो है बैठ जाओ सब लोग, जो जाते रहो आराम से बैठते रहो, अभी ज्ञापन बाकी है। तो वहाँ पर नाक का रास्ता बना हुआ है, सामान भी नहीं पहुँच पाएगा हमारा, तो वहाँ तालाब भी लगा है भारी। नहीं अब आप क्या जाते हम ये चाहते हैं डाटा संख्या 2317 में जो जगह पर्याप्त है हमारी, लेखपाल कानून वो सब चिन्हित करके आए हैं, तो वह प्रस्ताव दे दीजिए। एस डी एम साहब मना कर रहे हैं। आप ही ने बनाया कि दिया होगा पैसा तो पहले ही रिलीज हो चुका। सर भाकी किसान जो भानु गुट है उसके द्वारा जन चौपाल लगाई गई थी, इसमें सर समस्याएं आई हैं और बताया जा रहा है कि समृद्धि कोल्ड स्टोरेज संचालक के द्वारा किसानों का आलू गबन किया गया है, सर उन पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए ये बताया जा रहा है जो है कि वर्ष 2019 में जो है कुछ किसानों के जो है उन्होंने आलू को जो है स्वयं गबन कर लिया था, उसकी जो है DHO द्वारा जाँच कराई जाएगी और जाँच करके जो है अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर FIR दर्ज कराएगी। वहीं एक मामला सर आया है कि भाजपा नेता रमेश राजपूत के द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से मकान बना लिया गया है, सर उन पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं देखिए कोई भी आदमी जो है अगर कोई अवैध कब्जा कर रहा है, जैसा कि सरकार की स्पष्ट मंशा है, अगर कोई अवैध कब्जा किया हुआ है तो उस पर जो है विधि संगत जो है बेदखल करके कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बेदखल किया जाएगा। सर एक मामला सर चाचूपुर का है, एक गुंडा एक्ट का आरोपी भी है और लगातार एक पीड़ित है, उनको धमकी दे रहा है कि आपकी लड़की को घर से जो है अगवा कर लेंगे और उसको जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। देखिए उसमें जो है एडिशनल साहब हमारे साथ हैं, जो है उनसे बात हो गई है, जो है हम लोगों ने उसके ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज कराया है और उसको जेल भी भेजा था, और अगर वो ऐसे धमकी दे रहा है तो उस पर पुनः कार्रवाई होगी। डीएम साहब अपर साहब आए थे जो आपने ज्ञापन दिया है, क्या आपको आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए उन्होंने वो ADM साहब और SP साहब आए थे और जो है अपर साहब ने जो सभी ने यही कहा है हमसे, ADM साहब को ज्ञापन दिया, ADM साहब ने आश्वासन दिया कि 8 दिन के अंदर सारे कार्य करा के और उसमें जो शासन स्तर पर होंगे उनको वहाँ भेजा जाएगा, उसकी प्रति भी हमें उपलब्ध कराई। अच्छा लगभग कितनी से आपकी समस्याएं थी? 50 से प्लस समस्याएं थी जो राजस्व एवं पुलिस से संबंधित थी, राजस्व की ज़्यादा थी, उनका मौके पर कुछ का निस्तारण कराया है, उसके लिए जो है समय दिया गया है। अगर इन समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो आप क्या कदम उठाएंगे? यदि इनका देखो पहली बात तो यह है, अगर उन्होंने भरोसा दिया और सोमवार को हम DM साहब से मिलेंगे जाकर और उनसे भी उस मामले पर डिस्कस करेंगे।
और उम्मीद ये है कि काम होगा। अगर काम नहीं होगा तो इमरजिया में जो है प्रदेश की नहीं इंडिया लेवल की पूरे भारत वर्ष के किसानों की समस्याओं को लेकर वहाँ पर, जैसा कि अभी हमने ज्ञापन दिया था किसान आयोग के गठन को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर महापंचायत का है, धरना है और वो 11 फरवरी से चालू हो रहा है इमरजिया प्रदेश कार्यालय में, तो वहाँ पर जाएँगे जनपद की चीज़ें सीधे मुख्यमंत्री जी।